जिंदगी की मुनाफिक सदा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस तरह के अकवाले ज़रिए जो है काइन मास्टर में कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है जो कि आज मैं आपको समझाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको तमाम पता चल जाए किस तरीके से हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ की है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो चैनल्स इस्लामिक बनाते हैं वो उस अकवाले ज़रिए के ऊपर उनके ऊपर मिलियन व्यूज़ आ रहे होते हैं और जिससे उनके सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में बदल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अकवाले ज़रिए के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक आप ज़रूर बनाएं और फिर अपने व्यूज़ की बारिश को देखें और सब्सक्राइबर्स को देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम वो देखते हैं। जैसे कि अब हमें एक सक्सेसफुल मैन की फ़ोटो चाहिए। सबसे पहले हमने अकवाले ज़रिए को देखना है, जो हम जहाँ से भी कॉपी करेंगे, चाहे वो गूगल से करें या पिंटरेस्ट से करें या कहीं से भी करें, तो आपने उसके मुताबिक जो है वो इमेज को वहाँ पे सेट करना है ताकि वो पता चल जाए कि कौन सा इमेज वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब जैसे कि ये एक सक्सेसफुल मैन लग रहा है तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसी तरीके से अकवाले ज़रिए को यूज़ किया। तो अब हम सारा कुछ क्लोज़ कर देते हैं और बताते हैं कि अब हम न्यू अकवाले ज़रिए कहाँ से लेंगे। इसके लिए मैं जो है उर्दू डिज़ाइन को यूज़ करूँगी। तो हम उर्दू डिज़ाइन के ऐप में और ये हमारे पास उर्दू डिज़ाइन का ऐप है, हमने इसको ओपन कर लेते हैं और हम अपना अकवाले ज़रिए जो है वो यहीं से ओपन कर। और ये हमारे पास अकवाले उर्दू डिज़ाइन का ऐप जो है वो ओपन हो के आ चुका है। अब हम यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करते हैं। ये जो सी ऑल लिखा हुआ है हमने इसको ओपन कर लिया। यहाँ से हम अकवाले ज़रिए पर जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अकवाले ज़रिए आ गया, ये अकवाले ज़रिए आ गया। इसको इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अकवाले ज़रिए आ जाएंगी। आपने जो भी चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम कौन सा इस्तेमाल करें। नमाज चेहरे का नूर है, कुरान दिल का सुकून है, वजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। तो जी ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, हम इसको देख लेते हैं। हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं। चलिए मैं फ़िलहाल आपको एक शॉर्ट सा दिखाती हूँ। वक्त तो वक्त पर बदलता है लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो डाउनलोडिंग, हमने इस पर क्लिक किया है और इसके बाद ये हमारे पास डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास आ चुका है। हमें सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए, ये वाला टेक्स्ट चाहिए और हम इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया और अब हम एडिट पे जाएंगे। ये एडिट पर हम आ चुके हैं। हम किसी भी जगह पर थोड़ी देर इसको होल्ड डाउन रखते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल की ऑप्शन आ रही है, हमने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद कॉपी आ रहा है लिखा हुआ, हमने कॉपी पे टाइप कर दिया। ठीक हो गया जी। अभी फ़िलहाल हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, अभी फ़िलहाल मैंने आपको मेथड बताया कि इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं। देखें, वक्त तो वक्त पर बदलता है लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, घड़ी लेते हैं। तो हम यहाँ से पिंटरेस्ट पर जाते हैं। ये हमारे पास पिंटरेस्ट ओपन हो चुके हैं, ये हमने पिंटरेस्ट ओपन कर लिया और यहाँ से हम यहाँ से हम टाइप करेंगे वॉच पिक। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी जो है घड़ियाँ नज़र आ रही हैं। हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं और हम यहाँ पे थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देते हैं। और ये हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं और हम दोबारा से काइन मास्टर को ओपन करते हैं। और अब हम
काइंड मास्टर को ओपन करते हैं। ये हमने काइंड मास्टर ओपन कर लिया और इस तरह से अकवाल ज़री और हदीस मुबारका की। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम किस तरह से जो है इन शॉर्ट के अंदर कैसे बना सकते हैं वीडियोस और कैपकट के अंदर किस तरह से बनाएंगे, हम वो बाद में आपको ज़रूर सिखाएंगे क्योंकि हर मेथड से आपको वीडियो बनानी आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम 16:9 का रेशो लेते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से जो हमने पिंस लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब हम पैन एंड जूम पे क्लिक करते हैं और इसके साइज़ को हम इतना बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लॉक लगा देते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब हम यहाँ से लेयर पर जाएंगे और फिर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट था वो पेस्ट हो रहा है। जी हाँ, शुक्र है हमारा पेस्ट हो रहा है। और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। आप बड़े भी ले सकते हैं जो इकवाल ज़री हैं, मैंने फ़िलहाल आपको छोटा लेके बताया कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम ये नोटो सैरी बोल्ड जो है इसको ले लेते हैं। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन को चेंज करते हैं, हमने आउटलाइन पे क्लिक किया और यहाँ से इसकी आउटलाइन ब्लैक कर दी। शेडो पे जाते हैं, शेडो हम इसका जो है रेड कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या येलो कर देते हैं ताकि वो नज़र आए। चलिए जी, ग्लो पे क्लिक करते हैं, इसको भी हम थोड़ा ग्लो भी आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको टेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। हमने जैसे कि आपको बताया था कि अंडरलाइन करना होगा तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास देखिए अंडरलाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर आपने बढ़ाना है और करेक्टर इस तरीके से थोड़ा सा मिला के लिखना है तो ये हमारे पास अंडरलाइन होके वर्ड्स आ चुके हैं इस तरह से। अब हम इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ तक इसके मुताबिक जितना है ये है। अब हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे और इसको इन एनिमेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ से हम, और ये हमने लगाया था कि लेटर बाय लेटर इस तरह से आ रहा है। इसकी हम जो है टाइम को बढ़ा देते हैं, यहाँ से हम 4.4 कर या 3.5 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास छोटा सा सेंटेंस है। इस तरीके से प्ले करके देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अब हम यहाँ पे हमें चाहिए इकवाल ज़री ऊपर लिखा हुआ तो हम दोबारा से लेयर्स में जाते हैं, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ हम टाइप करते हैं, इसको हम उर्दू पे क्लिक कर देते हैं अकवाल ज़री। अकवाल ज़री ओके कर दिया। इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, इस फॉन्ट को भी हम ये वाला कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम इसका कलर जो है ब्लू कर देते हैं और इसकी आउटलाइन को भी हम बढ़ा के ब्लैक कर देते हैं। और इस पे जो एनिमेशन हमने क्या लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पे मैंने जो एनिमेशन लगाई थी हम अकवाल ज़री पे क्लिक करते हैं, इन एनिमेशन पे जाते हैं और यहाँ पर हम लास्ट वाली है रबर स्टैम्प वाली तो ये हमने लगा दी है। और हम जो हमारा ऊपर का टेक्स्ट हम थोड़ा सा इधर बढ़ा के कर देते हैं, प्ले करके उसको देखते हैं और इस तरीके से लेटर बाय लेटर हमारा वर्ड आ सकता है आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो कुछ लगाया हुआ था, हमने यहाँ पे फॉग लगाई थी, दोबारा से हम लेयर्स पे जाते हैं, यहाँ से हम स्टिकर पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए हमारी स्टीडियस फॉग है। यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म की फॉग्स आ रही हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये वाली कर लेते हैं, ये हो गया। इसका साइज़ भी हम बढ़ा के उतना ही कर देते हैं और हम नेक्स्ट देखते हैं ताकि ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम दोबारा से लेयर्स पे आते हैं, यहाँ से हम लेयर स्टिकर पे गए और यहाँ से हम इस तरह से जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट स्टार्स जो हैं पिंक वाला ही ले लेते हैं और इसका टाइम भी हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं इसको और इसको डुप्लीकेट इसकी एक और लेके इसको और आगे हम कर देते हैं। थोड़ी देर इसको होल्ड डाउन रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा।
अब हम इसमें दोबारा लेयर पे आए, स्टिकर्स पर आए और यहाँ से हम शिमर पे आते हैं। यहाँ से हम ये शिमर लेते हैं और हम इस पर पेंडोलम पे लगा देते हैं इस तरह से। और अब हम इसको भी शिमर को पूरा यहाँ तक बढ़ा के कर देते हैं। उसके बाद हम थोड़े से इसमें स्टिकर पे जाते हैं और यहाँ से हम फ्लोटिंग हर्ट्स हैं और स्पार्कल्स हैं ये ले लेते हैं। यहाँ से हम ये वाले चूज़ कर लेते हैं, यहाँ रखते हैं और हम इसके इसको हम शूट स्टार्स को इसका जो है हम पूरा बढ़ा देते हैं यहाँ तक कर देते हैं स्पार्कल्स। और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है हम थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर हम एक डुप्लीकेट कॉपी करते हैं और इसको सेंटर में भी सेट कर देते हैं इस तरह से। हम इसको प्ले करके देखते हैं और अब ये देखें कि किस कदर खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरीके से अकवाले ज़री बना सकते हैं और अपनी वीडियो के जो सा है अपने चैनल पर इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अपनी ऑडियो लगानी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम लगाएंगे। हम यहाँ से रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जैसे हम रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग का। ओके तो जी यहाँ पे रिकॉर्डिंग का स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे। उसके बाद हमने जब इसमें ऑडियो लगानी है हम अपनी रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से ऑडियो लगाएंगे तो हम यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एल्बम में जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड की ऑप्शन पर जाते हैं और जो हमने इस्लामिक जो है डाउनलोड किया हुआ है कोई भी साउंड जैसे कि ये इस्लामिक बैकग्राउंड है इस तरीके से ये कर लिया और इसकी हम इसको इतनी लेंथ करके यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं। हम यहाँ से ट्रिम पे जाएंगे और इसकी ट्रिम कर दी हमने, उतना ही इसको रखा है। तो अब हम मिलते हैं कि मैं आपको पूरा वॉइस ओवर करके बताती हूँ कि कैसा लगता है। तो जी आपको समझ आ गया होगा और जो मेरी साउंड के अंदर जो आवाज़ आ रही थी कि थोड़ा सा करारी आवाज़ के अंदर जैसे कि मैंने इसको पढ़ा है तो इसका क्या था। तो जैसे ही हम जो इस पर क्लिक करते हैं ब्लू वाली लाइन पर और यहाँ से हम रिवर्ब पे जाएंगे, ये वाली ऑप्शन आ रही है रिवर्ब की और यहाँ से हमने स्प्रिंग रिवर्ब किया था जिससे जो आवाज़ है वो थोड़ी सी ऐसे लगता है कि आप स्पीकर में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप उस तरीके से कर लीजिएगा और बाकी माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने आपको सारा मेथड समझा दिया है और ये जो चीज़ें हमें यहाँ से मिली थी लेयर्स में जाके स्टिकर्स से लिए स्टिकर्स वगैरह यूज़ किए हैं ये आपको इसका जो नज़र आ रहा है ये वाला मैं बता देती हूँ। यहाँ से इससे हमने जो है वो वहाँ स्टोर है ये काइन मास्टर का, हमने वहाँ से सब कुछ ये लिया, ये फॉग वगैरह भी। जी एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, इंफिनिटी ब्राइटनेस भी मैंने यहाँ पे लगा अटैच कर दी है। हम यहाँ से लेयर पर जाएंगे और लेयर से हम दोबारा स्टिकर पे जाएंगे, स्टिकर से यहाँ पे ये देखें इंफिनिटी ब्राइटनेस का आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ये वाला जो स्टार है इसको ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन हमें नज़र आएगी, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको स्क्रीन कर देते हैं तो ये इस तरीके से लगेगा जैसे कोई सितारा है। हम इसको फिंगर्स की टू फिंगर्स की हेल्प से इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ इसका कर लेते हैं इस तरह से और इसका साइज़ भी हम बढ़ा के उतना ही कर लेते हैं, इसके बराबर हो गया है। और अब हम जो है इसको प्ले करके देखते हैं तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। उसके बाद हम यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक किया और यहाँ से देखें 24 सिनेमा और ये सारा कुछ है। अब हम सेव एज वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी और गैलरी में चली जाएगी। ये छोटी सी वीडियो थी जो सेकंडों में हो जाएगी और अब ये वीडियो जो है वो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है और अब मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ तो देखते हैं। वक्त तो वक्त पर बदलता है लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है।
आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।